आज सुबह हमने कल ही हमको इतला थी कि किश्तवाड़ में ईद के मौके पे तसारुम हुआ है। जहां तक हमारी इतलात का ताल्लुक है, क्योंकि वहां कर्फ्यू है और राबता की कड़ियां कट चुकी हैं, लेकिन छन छन कर मुताबिक सूरत हाल ये है कि वहां जब लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए निकले तो जवानों ने वहां नारा दिया, हम क्या चाहते आजादी। और ये नारा देते ही वहां जो जनसंघ है, आरएसएस है, शिवसेना है, और ये जो वीडीसीज हैं, विलेज डिफेंस कमेटी के लोग, जिनको हथियार सप्लाई किया गया है हुकूमत की तरफ से, उनमें से किसी अंसर ने उन पर पथराव शुरू कर दिया और ये पथराव टकराव में बदल गया, तसादुम में बदल गया। आज जो ऑल इंडिया ने आज सुबह कश्मीरी जुबान के बुलेटिन में जो इत्तला दी वो ये है कि दो आदमी वहाँ मारे जा चुके हैं। अभी ये मालूम नहीं है कि वो मुसलमानों में से हैं या गैर मुस्लिमों में से, और 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं, उनमें कुछ सीरियस लोग भी हैं। वहाँ कर्फ्यू का निपास है और हुकूमत ने ये भी खबरों में बताया गया, साथ ही ये ऐलान कर दिया है कि जो जम्मू सूबे का डिप्टी वो क्या है कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, उसको उन्होंने जज बनाया है कि वो इस वाक्य की तहकीकात करें। अब सरकारी अफसर हो वो इस वाक्य की क्या तहकीकात करेगा, ये हुकूमत का ये तहकीकाती इदारा, इसको हम पूरी कुव्वत के साथ मुस्तरद कर दें। हम इस तहकीकात दिखावे का तहकीकात होती है, ये वही लोग हैं जो इस सूरत हाल के जिम्मेदार बनते हैं और हुकूमत उन्हीं को इख्तियार देती है कि भाई तुम तहकीकात करो। हम अपील करेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज को, ह्यूमन राइट्स एजेंसियां जो हैं उनको हम दरमदाना अपील करेंगे कि वो आज खुद आ जाएं और खुद वो इस वाक्य की तहकीकात करें कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है, किन्होंने इसका आगाज किया और फिर किन्होंने फायरिंग की, किन्होंने पथराव का आगाज किया, तो ये सब कुछ वाजह हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने कल ही किश्तवाड़ के इस अलमनाक वाक्य पे हड़ताल की कॉल दी थी, क्योंकि अखबारात आज नहीं थे, शायद सब तक इतना नहीं पहुंची होगी, लेकिन बहरहाल किश्तवाड़ की सूरत हाल से हम अलाहिदा नहीं रह सकते, बेखबर नहीं रह सकते। हम ऐलान करते हैं इस बात का कि जम्मू के सब लोग, चाहे डोगरा हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे पंडित भाई हो, जो कोई भी हो, वो सब इंसानी रिश्ते के हमारे भाई, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी। इस्लाम ने इंसानी मुआशरे में मजहब की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे किसी तफरीक को रवा नहीं रखा है। सब हमारे इंसानी रिश्ते के भाई हैं, लेकिन वहाँ जो मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर सब सूबे जम्मू का जो मुसलमान है वो एक तरफ फौज, दूसरी तरफ पुलिस है, वो भी उनके साथ अदल नहीं बरतते, तीसरी तरफ इंतजामिया है, इंतजामिया वहाँ उन्हीं लोगों के हाथ में है जो क्रिमिनल माइंड रखते हैं, चाहे जेल अथॉरिटीज हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग हों, वो क्रिमिनल माइंड के। इसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा, परवीन तोगड़िया, वो किसी पार्टी का आरएसएस का आदमी है, राजौरी आ गया, राजौरी में उसने
वहां के अमन और वहां के भाईचारे को आग लगा दी। हुकूमत को 10 दिन के लिए वहां कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है राजौरी जाने के लिए या पंपुनिस जाने के लिए या किसी और जगह जाने के लिए, लेकिन अगर हम लोग वहां जाएं तो हम पर पाबंदियां हैं, वहां जाने नहीं देते। और जिन लोगों को चार घर की चार दीवारी से बाहर जाने की इजाजत नहीं, उनको वहां कहां कैसे जाने दें। इसलिए जम्मू का जो मुसलमान है उसके साथ हमारा दोहरा रिश्ता है, ये हम ऐलानन कहते हैं, हम इस बात को नहीं छुपाते। एक जिंदा हकीकत है, जम्मू के लोग या वादी कश्मीर के लोग सारे बहसती इंसान, इंसानी रिश्ते के हमारे भाई हैं, और हम सब भाइयों के साथ हुस्न सलूक बरतने के जिम्मेदार बनाए गए हैं इस्लामी तालीमात की रूह से। लेकिन जो मुसलमान हैं उनके साथ हमारा दोहरा रिश्ता, एक इंसानी रिश्ता है और दूसरा दीनी रिश्ता है। तो दीनी इस दोहरे रिश्ते की बुनियाद पे हम जम्मू के मुसलमानों के साथ हैं, उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, और उनको हम इंशाअल्लाह वहां जम्मू में हम 47 की तारीख दोहराने की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। 47 में अक्टूबर नवंबर में 5 लाख मुसलमानों को गाजर मूलियों की तरह काटा गया, उनको ये धोखा दिया गया कि पाकिस्तान बन चुका है, आप लोग जम्मू आ जाएं, हम आपको पाकिस्तान भेजेंगे, और इस धोखे और फ्रेम में लाकर उनको बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। 5 लाख की तादाद बताई जा रही, और उस वक्त के यहाँ के लीडर जो थे उनके कानों पर भी जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि 5 लाख मुसलमान बेरहमी के साथ कत्ल किए गए। पटियाला फोर्स थी, डोगरा फोर्स थी, भारतीय फोर्स थी, जनसन, आरएसएस, कॉम्युनल जो अनासिर है वहाँ, सब ने मिलकर लाखों मुसलमानों को तहतेक किया, लेकिन कोई तहकीकात नहीं हुई। और जो लोग इख्तदार पर थे उनकी गैरत ने उनको ये नहीं कहा कि कुर्सी को लात मार दो, तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारे दीनी भाई, इंसानी रिश्तों के भाई कत्ल किए जा रहे हैं। और ऐसे ही लीडर हम पर मुसलत हो गए जिन्होंने हमें इस दलदल में फेंक दिया। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। तो किश्तवाड़ में या जम्मू सूबे में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर ज्यादती की जाए, चाहे फौज की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, या कम्युनल एलिमेंट्स की तरफ से, हम उस पर आवाज़ उठाते रहेंगे, इंशाअल्लाह मौसर आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम जम्मू के मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वादी कश्मीर के आवाम मुसलमान आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक। आप बिल्कुल जुरत के साथ, हिम्मत के साथ अपने वजूद का मुजाहरा करिए, खौफ का शिकार ना हो जाइए, डर और बुजदिली का शिकार ना हो जाइए, और इस बात का ख्याल रखें कि 47 की तारीख ना दोहराई जाए। इसमें हम आपके साथ हैं। तो ये पैगाम था किश्तवाड़ के हमारे दीनी भाइयों के साथ, और हम अभी देख रहे हैं वहाँ से क्या इतलात आ रही हैं, उसके मुताबिक हम प्रोग्राम देंगे। तो आज जो हड़ताल की कॉल हमने ली थी, शायद सब जगह ये पैगाम नहीं पहुँचा होगा, लेकिन बहरहाल हम नज़र रखे हुए हैं क्या सूरत हाल है, तो उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह प्रोग्राम देंगे।